सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ऑल इन लर्निंग वीडियो। और ये वीडियो बेसिकली इसके लिए है कि अभी जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आने वाला है तो काफ़ी लोगों को ये मतलब कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि वो शेयर होल्डर कोटा में एलिजिबल हैं या नहीं। तो सबसे पहले अगर आपके पास बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व का शेयर था ही नहीं तो आप तो एलिजिबल हो ही नहीं। एंड इनकेस था तो आपको किस डेट से पहले थे, 29 या 30 अगस्त के आसपास का आई थिंक जो डेट है जो एलिजिबल हो जाओगे आप। अगर आपके पास एक शेयर भी होगा फिनसर्व या फाइनेंस का तो आपको क्या करना है ये कन्फर्म करने के लिए, आपने जो अपना डीमैट अकाउंट जिस भी मेल के साथ मतलब लिंक किया हुआ है आपको उस मेल पे जाके चेक करना है। आपको एक मेल देखने को मिलेगा बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ की तरफ से, ठीक है, यानी कि बजाज फिनसर्व या फाइनेंस की तरफ से जो हेडिंग रहेगा लेकिन इन्फॉर्मेशन ऑन बजाज हाउसिंग फाइनेंस। तो इसमें क्या आपको देखने को मिलेगा तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि ये 6 सितंबर को आया तो इसमें बताया जा रहा है कि डियर शेयर होल्डर दिस इज द रेफरेंस विद द अपकमिंग इनिशियल लाइक द आईपीओ और बजाज हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है। तो ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस के रिगार्डिंग ही है और इसमें आपको यहाँ पर देख लो जो भी डिटेल्स हैं कि मतलब क्या क्या कितना इशू है, कितना इक्विटी मतलब डायलूट होने वाली कंपनी का, वो सभी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में दी गई हैं। बाकी जो आपको जो मेन चीज़ यहाँ देखना है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे आप नीचे आओगे तो आप देखो कि जो है द मैक्सिमम बिड अमाउंट अंडर द शेयर होल्डर रिजर्वेशन पर्सन बाय एन एलिजिबल शेयर होल्डर सेल नॉट एक्सीड 2 लाख, मतलब आप 13 लॉट से ज़्यादा एक एज ए शेयर होल्डर कोटा आप नहीं लगा सकते हो, मैक्सिमम 2 लाख तक का लगेगा यानी कि 13 लॉट। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। बाकी आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हो या नहीं करने वाले हो आप कमेंट करके बता सकते हो। और जैसे मैं इसमें पर्सनली अप्लाई करने वाला हूँ, मैं 2-3 अकाउंट से भी करूँगा और एक मैं 2 लाख वाला 2 बिड लगाऊंगा, बाकी जो होता है मतलब अलग अलग डीमैट से दोनों में मैं शेयर होल्डर कोटा के थ्रू एलिजिबल हूँ, बाकी रिटेल पोर्सन से भी लगाऊंगा। तो इस बार चांसेस काफ़ी अच्छे हैं, लेट्स सी। और जो शेयर होल्डर कोटा है उसमें आपको लॉटरी बेसिस पे नहीं, वो प्रोपोर्शनल बेसिस पे मिलने वाला है तो जिसमें कि चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप इस आईपीओ में लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। बाकी टिल देन टेक केयर, मेक श्योर सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।